स्वर्ण समाज के द्वारा कांकेर जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को राज्यपाल के नाम पर ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा 10% आरक्षण को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 4% करने ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसका स्वर्ण समाज के द्वारा विरोध करते हुए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लिए गए इस विधि विरुद्ध निर्णय को तत्काल प्रभाव से रोक लगाए जाने की मांग राज्यपाल से किया गया है। स्वर्ण समाज कोषाध्यक्ष दिनेश मिश्रा ने बताया कि स्वर्ण समाज में भी गरीब तबके के लोग रहते हैं, आरक्षण में कटौती करना उनके साथ अन्याय करने जैसा होगा। केंद्र सरकार ने स्वर्ण समाज को 10% आरक्षण दिया था, पर राज्य सरकार लोगों को संतुष्ट करने के नाम पर 4% करने जा रही है, जिसका स्वर्ण समाज विरोध करता है। कांकेर से विप्लव कुंडू की रिपोर्ट। सवर्ण समाज जो हमेशा से उपेक्षित रहा है, उसको केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने 10% आरक्षण जो दिया था ईडब्ल्यूएस के नाम से, उसको माननीय भूपेश बघेल जी यहाँ पे आरक्षण देने के नाम पे और लोगों को संतुष्ट करने के लिए उस ईडब्ल्यूएस 10% को घटा करके 4% कर दिए, जो कि सवर्ण समाज के लिए अन्यायपूर्ण आरक्षण है। हम उनसे जनसंख्या के आधार पर तो नहीं, लेकिन जो गरीबी रेखा के अंदर हैं, उनको आर्थिक गरीबी रेखा के अंदर है, उनको हम आरक्षण की मांग जो सेंट्रल गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट ने दिया था उसको निरस्त कराने की मांग करते हैं। और हम इसीलिए आज राज्यपाल के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपे हैं कि इस पर दस्तखत ना करें और 10% जो हमारा वाजिब हक है वो हमको हक दिया जाए।